स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में हिमाचल प्रदेश अंतर महाविद्यालय टाई कमांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए महाविद्यालय को बधाई दी और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये खेल आत्मसुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में हिमाचल प्रदेश अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए महाविद्यालय को बधाई दी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो खेल आत्म सुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी है और प्रदेश की बेटियां इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त है और इस खेल में भी भारतीय और प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने पालमपुर महाविद्यालय को पिछले वर्षों में इस स्पर्धा के बेहतर प्रदर्शन कर कई मेडल हासिल करने की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि खेलों से मानव का शरीर और मानसिक विकास होता है तथा शारीरिक शक्ति के खेलों में लगने से बच्चे नशे इत्यादि से दूर भी रहते हैं। परमार ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पालमपुर का नामांकन वीर योद्धा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है और हम सबको देशभक्ति और महान बनने के प्रति प्रेरित करता है। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि महान लोगों का अनुसरण कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। गौरतलब है कि 3 दिनों तक आयोजित होने वाली अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 22 महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 60 लड़कियां और 100 लड़के शामिल हैं। अध्यापक बंधुओं से भी मेरा निवेदन यह है कि सिलेबस के अलावा नैतिक शिक्षा पर समाज के प्रति हमारा व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण क्या है, ये कई बार भाषणों से नहीं, मंच पर मैं खड़ा होकर के जितना लंबा भाषण दे दूं पर मेरा व्यवहार और आचरण स्वयं में ठीक नहीं है तो सामने देखने वाला व्यक्ति भी उसी आचरण को लेकर के व्यवहार करे। ये बातें भाषणों में नहीं, व्यवहार में झलकनी चाहिए, बातों में नहीं, संस्कारों में झलकनी चाहिए। ये मैं विशेष रूप से यहां पर कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के अच्छा लगा कि मुझे यहां पर आने का मौका मिला। उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं जो मोटी मोटी मुझे जानकारी है कि स्वयं की सुरक्षा के लिए इस मार्शल आर्ट का ही जो एक रूप है जो कभी अमेरिका में शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए जिसको अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी मान्यता प्राप्त हुई। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं वहां पर भी इसका डेमोंस्ट्रेशन दिया गया। और वर्ष 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर इसको कंपिटिटिव इवेंट के रूप में भी जोड़ा गया। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो मास्टर पूरन गुरन ने स्थाई कमांडो को 1974 में 2 अगस्त 1976 में फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया।